जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हैं, जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो रहा था तब पाकिस्तान वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि अफगानिस्तान में अब इस्लामिक जीत हो गई है और भारत का $3 बिलियन डूब गया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, लेकिन तालिबान सत्ता में आने के बाद कुछ महीने के बाद पता चल गया पाकिस्तान को कि असली में अगर किसी को ज़्यादा नुकसान होगा या फिर हो रहा है तो वो पाकिस्तान को हो रहा है। अब ऐसा ही न्यूज है, एक तरीके से आप कह सकते हो अफगानिस्तान और भारत की दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। मैं आपको बहुत छोटा सा वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या अब रिसेंट अफगानिस्तान को लेकर अपडेट है। और प्रेजेंट टाइम में खबर ये है कि भारत तकरीबन 3 टन के मेडिसिन अफगानिस्तान को सप्लाई किया है। इससे पहले 5 लाख का कोरोना वैक्सीन को हम भी अफगानिस्तान को दे चुके हैं और कुछ मेडिकल जो मेडिसिन वगैरह है वो भी दिए हैं। हालांकि बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है, अब तो तालिबान का राज है तो फिर भारत अफगानिस्तान का मदद क्यों कर रहा है? दोस्तों देखिए, बड़ा बात यह है, अफगानिस्तान में तो ठीक है तालिबान का राज है, लेकिन अफगानिस्तान में जो लोग हैं उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है वो बड़ी बात है। क्योंकि अफगानिस्तान में जो लोकल लोग हैं उनके दिल में भारत के लिए बहुत सारा सॉफ्ट इमेज है। क्योंकि पिछले 20-30 साल में अगर देखोगे भारत वहां काफी डेवलपमेंट किया है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करोगे तो पाकिस्तान वहां पर ड्रग्स से लेकर आतंकवाद को ज्यादा बढ़ाया है। इसलिए ठीक है, एक रेडिकल ग्रुप भी है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो कॉमन लोग हैं उनके दिल में भारत के प्रति सॉफ्ट इमेज है और उस चीज़ का फायदा हमें उठाना चाहिए और भारत सरकार उस डिरेक्शन में काम भी कर रहा है। अब तो चलो ये मेडिसिन की बात हो गया, लेकिन आप सबको पता होगा भारत तकरीबन 50 टन गेहूँ अफगानिस्तान को देना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान को भी दबाव के आगे झुकना पड़ा। अब खबर ये है कि पाकिस्तान वो रूट दे देगा ताकि हम अफगानिस्तान तक गेहूँ को पहुँचा पाए। हालांकि मैं कहूंगा कि ज्यादा लेट हो गया, क्योंकि ये जो विंटर है, तकरीबन रिपोर्ट था कि 30-40% अफगानिस्तान में लोगों को मतलब खाने के लिए ठीक से उनके पास मतलब आप कह सकते हो सामान वगैरह नहीं था, तो उनको तो काफी मुश्किल आया होगा। लेकिन अब चलो देर से भी सही, जो भी सामान पहुंचेगा उनको काफी मदद मिलेगा। आप सब जानते हो, अगर हम देखेंगे तो अफगानिस्तान का साथ हमारा ये वाले पॉइंट पर बॉर्डर मिलता है। अगर पीओके वाला हिस्सा हमारे पास होता तो हम आसानी से ये वाले जो वखान कॉरिडोर है तो यहाँ इस वाले पॉइंट पर हम उनको सप्लाई कर सकते थे, लेकिन वो तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ये तो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो ये रूट बनता था लाहौर होते हुए हम ट्रक को अफगानिस्तान तक भेजते, लेकिन पाकिस्तान ने बीच में बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम नहीं कर पाए। पहले कंडीशन ये रखा कि नहीं, ट्रक को वो नहीं छोड़ेंगे, फिर बोले कि चलो ठीक है भारत की ट्रक आकर ये वाले पॉइंट पर सामान उतार दे, फिर यहाँ से पाकिस्तान का ट्रक जाकर अफगानिस्तान में पहुंचाएगा और पैसा भी भारत देगा। मतलब एक तरीके से वो पैसा तो कमाना चाहता था, दूसरा पॉइंट ये है कि जो सामान भारत देता उससे भी वो मतलब कुछ प्रोडक्ट को अपने पास रख लेते। अगर भारत 50 टन दे रहा है तो अफगानिस्तान तक शायद 20-30 टन का सामान पहुंचता और बाकी 20-25 टन जो भी होगा वो पाकिस्तान रख लेता। इसके साथ साथ अगर भारत के ट्रक अफगानिस्तान में जाते तो अफगानिस्तान में जो तालिबान हो या फिर वहां के लोगों के मन में और भी भारत का सॉफ्ट इमेज आता, जो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता था। चलो ठीक है, जो भी हुआ आखिर में पाकिस्तान को तालिबान के आगे झुकना पड़ा। क्योंकि आप सब जानते हो ड्यूरेन लाइन में तालिबान अब क्या कर रहा है, एक तरीके से उस एरिया में बहुत ज़्यादा टेंशन है। सिर्फ ड्यूरेन लाइन में ही नहीं, बलूचिस्तान से लेकर जो केपीके फाटा वाला एरिया है उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और नो डाउट ये कहने में कोई मतलब, मैं तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ नहीं या फिर गवर्नमेंट में तो हूँ नहीं तो मैं खुलकर बता सकता हूँ, तो नो डाउट इसमें भी हमें अफगानिस्तान से काफ़ी मदद मिल रहा है। और आपको पता होगा कल ही मतलब 2-3 दिन पहले तकरीबन बलूचिस्तान में 10 के करीब पाकिस्तान के जो उनके आर्मी जवान हैं उनके ऊपर टारगेट किया गया था। लेकिन सिर्फ अभी अगर आप पिछले 2-3 महीने या फिर जब से तालिबान सत्ता में आया है उस चीज़ को देखोगे तो बहुत अटैक उस एरिया में पाकिस्तान को हुआ है। जो पाकिस्तान को लग रहा था कि एक बार तालिबान सत्ता में आ जाएंगे तो उन्हें मदद मिलेगा, क्योंकि वो वेस्टर्न बॉर्डर से अपना सारा सैनिक को खींचकर ये वाले बॉर्डर पर तैनात कर देंगे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये वाले पॉइंट पर पाकिस्तान को जितना नुकसान नहीं हो रहा है, इस वाले साइड पर ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत टेंशन वाली बात है। और आप समझ जाओगे क्यों भारत अफगानिस्तान को मदद कर रहा है। मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। तो इसी वजह से अफगानिस्तान भारत के लिए ज़रूरी भी है और भारत जिस तरीके का मदद कर रहा है वो भी जारी रखना चाहिए ताकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव आए। क्योंकि
पाकिस्तान जब तक मैप में है तो ये भारत के लिए टेंशन वाली बात है, और पाकिस्तान को जितना नुकसान होगा सिर्फ हमारा दुश्मन एक कम नहीं होगा, देश के अंदर भी बहुत सारे गद्दार है, उनका भी हौसला टूटेगा। आप ये मुद्दे पर क्या सोच रहे हो? बहुत छोटा सा टॉपिक था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।